हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, अगर आप लोग भी 2024 20 जनवरी को नवोदय में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि नवोदय परीक्षा में आप क्या लेकर के जाना है, आपको क्या लेकर के नहीं जाना है, आप पेपर इसमें कैसे दे सकते हैं, सब कुछ इसके बारे में आपको हम बताएंगे। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। उनके अगर पेरेंट्स भी हैं, अगर पेरेंट्स लोग आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर ये वीडियो दिखाइएगा एंड समझा दीजिएगा। तो यहाँ पे अब आपको हम बताएंगे कि नवोदय विद्यालय में आप लोग क्या क्या ले जा सकते हैं एंड उसमें आपको क्या क्या ले जाना पड़ेगा एंड आप लोग उसमें कैसे वर्क करेंगे, कैसे उसमें भरेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह वीडियो शेयर कीजिए जिससे वो लोग भी यह जानकारी प्राप्त कर सके। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। ये जानकारी आपको हम बता देते हैं कौन सी जानकारी है। तो सबसे पहले हम यहाँ बताएंगे कि जरूरी सामान आपको क्या क्या ले जाने चाहिए नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में, वहाँ एग्जाम हॉल में आप लोग क्या क्या सामान ले जा सकते हैं ये आपको हम बताने हैं। तो सबसे पहला आपको प्रवेश पत्र यानी कि जिसको बोलते हैं एडमिट कार्ड, जो आपका इंटरनेट के माध्यम से निकल चुका होगा, वो आपको ले जाना होगा। दूसरा है आधार कार्ड या स्कूल का परिचय पत्र, आप वहाँ पे आधार कार्ड ले आ सकते हैं या स्कूल की तरफ से जो परिचय पत्र मिलता है वो आप ले आ सकते हैं। तीसरा आपको काला नीला बाल पेन ले जाना है जो कि OMR शीट भरने के लिए एकदम ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर आपको एक फ़ोटो ले जाना है जो आपको वहाँ से काम पड़ेगा। फिर आप वहाँ पे पांचवा पैड ले सकते हैं एंड एक घड़ी ले सकते हैं। अब इन सब के बारे में आपको हम वीडियो में पूरा विस्तार तरीके से बताएंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा तभी आप लोग इसके बारे में समझ पाएंगे। तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के नवोदय से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग तो आप लोग फ़ायदे में रहेंगे। चलिए अब एक एक के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। वहाँ पे आप आधार कार्ड अपना हॉल में ले जा सकते हैं, आधार कार्ड वहाँ पर अलाउ होता है। अब यहाँ कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो आपको हॉल में नहीं ही ले जाना है, एकदम नहीं ले जाना। सबसे पहला आपका है कोई कागज़ का सादा टुकड़ा आपको नहीं ले जाना है। दूसरा है किसी भी प्रकार की नकल सामग्री आपको नहीं ले जानी है। तीसरा है किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर आदि को वहाँ पर हॉल में नहीं ले जाना है। अब आप लोगों के मन में ये डाउट जरूर होगा कि कौन सी घड़ी हम हॉल में ले जा सकते हैं, कौन सी घड़ी नहीं ले जा सकते हैं। तो ये डाउट आपका हम जरूर क्लियर करेंगे। तो वहाँ हॉल में आप लोग को ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है जिसमें सारे फंक्शन होते हैं, ये घड़ी वहाँ पे अलाउ नहीं होते, इसको तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। आपको अगर घड़ी ले ही जाना है तो आप लोग ये सिंपल घड़ी वहाँ पे हॉल में ले जा सकते हैं अपना टाइम देखने के लिए। आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी हम दे देते हैं कि यहाँ पे पेन जो आपको है, पेन आप काला भी ले जा सकते हैं, नीला भी ले जा सकते हैं, लेकिन आपको बॉल पेन से यूज करना है तो डॉट पेन होता है। आप जाएंगे दुकानदार के पास, वहाँ कहेंगे हमें बॉल पेन दे दीजिए तो आपको बॉल पेन दे देगा। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि अगर आप लोग OMR शीट काले पेन से भरते हैं तो आपका बेटर पड़ेगा क्योंकि वहाँ जो OMR शीट होता है वो कंप्यूटर के माध्यम से चेक होता है। तो अगर आपका काला वहाँ रहेगा तो ज़्यादा आपका गाढ़ा दिखेगा, तो आपका बढ़िया नंबर आ सकता है। क्योंकि अगर आप नीले पेन से यहाँ पे अगर भरते हैं तो नीला पेन कभी कभी वहाँ कंप्यूटर अगर नीला रहेगा, हल्का हो जाएगा तो आपका जल्दी नहीं उठाएगा, नंबर भी वहाँ कट सकता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप लोग काले पेन से, ज़्यादातर काले पेन से आप लोग OMR शीट भरिएगा। अब आप लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि पैड कौन सा ले जाएं। आप लोग पैड ऐसा यूज कर सकते हैं जिसपे कि पेन ना चल सके। देखिए यहाँ प्लास्टिक का पैड है, इसको आप यूज कर सकते हैं क्योंकि अगर आप दफ्ती का पैड ले आते हैं जो गांव में मिलता है, दफ्ती का एक रहता है, उस पर कुछ भी आप लिख सकते हैं तो वो पैड वहाँ पर मान्य नहीं होगा। पैड ऐसा होना चाहिए जिस पर कुछ लिखा ना हो, आप ऐसा पैड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में आपको हम बता दें कुछ ज़रूरी बातें जो बहुत ही ज़रूरी हैं, आपको ध्यान देनी योग्य हैं। सबसे पहली बात ये है, प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो आपका प्रवेश पत्र निकला होगा ऑनलाइन, उस पर नीचे निर्देश दिए गए होंगे, उसको आप सबसे पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। दूसरा है, परीक्षा केंद्र पर समय से पहुँचे यानी कि एक घंटे पहले पहुँचे। अगर आपका परीक्षा 10 बजे है तो आपको 9 बजे ही परीक्षा केंद्र पर आपको पहुँच जाना है। एक घंटे पहले पहुँच रहेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। परीक्षा के पहले वाली रात अच्छी नींद लेकर सोए। बहुत बच्चे होते हैं ऐसे कि सोचते हैं कल परीक्षा है तो आज पूरी रात पढ़ेंगे, सोएंगे नहीं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि अगर आप अच्छी नींद नहीं लिए रहेंगे तो आपका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा और फिर वहाँ पर जा करके एग्ज़ाम हॉल में बढ़िया से आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे एंड आप सवाल भी गलत कर सकते हैं। वहाँ अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे एक दिन पहले शाम को तो आप वहाँ पर सो भी सकते हैं, आपको नींद भी आ सकता है। तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहे उसके पिछले वाली रात आपको बढ़िया से नींद ले लेनी है। अगला है,
परीक्षा केंद्र पर डरे नहीं, पेपर को अच्छे से हल करें। कोई भी डर आपके मन में अगर हो तो जो परीक्षा करवा रहा हो वहाँ कक्ष निरीक्षक उसको बोला जाता है, उससे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वो आपको बता देगा। मतलब अगर आपको पेपर भरने में कहीं दिक्कत हो रहा हो कि कैसे भरा जाएगा, अपना नाम कैसे लिखें या रोल नंबर, कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो तो वहाँ जो रहता है कक्ष निरीक्षक उससे पूछ लेंगे, वो आपको सही से पूरा बता देगा। लास्ट वाला है OMR सीट सही से भरे। तो OMR सीट सही से भरने के लिए आप लोग वीडियो हमारा देख सकते हैं, वीडियो में हमने प्रॉपर बता दिया है OMR सीट कैसे भरा जाएगा। आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी OMR सीट भरने का हमने वीडियो बना दिया, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जाके फुल वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो आपका खत्म हो गया। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके डाउट को हम क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के कॉन्टेंट हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, नवोदय से रिलेटेड। एंड अभी जब तक आपका नवोदय का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम डेली आपको प्रिपरेशन नवोदय का करवाएंगे एंड आपको हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ भी सवाल आपका है तो कमेंट में जाके फटाफट सवाल का जवाब आप लोग ले सकते हैं, कमेंट कीजिए, आपको सवाल का जवाब वहां मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।